हम यही आए फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए आए, हम बताना चाहते हैं फिलिस्तीन वालों को भी कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी उम्मत मोहम्मदी आपके साथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उम्मा का सवाल है, कोई ना रिलीजियस का सवाल है और ना ही यहाँ पे ये रिलीजियस की मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे उम्मा की मेजोरिटी है, रसूल की उम्मत की बात है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। अभी 57 मुस्लिम कंट्रीज है, इतने बड़े बड़े लीडर्स है, अगर वो लोग चाहे तो एक मुस्लिम वो लोग जुड़कर कुछ कर सकते हैं फिलिस्तीन के लिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? अभी देखो बहुत सारी कंट्री तो करने लगी है, सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, तो हमारी उम्मीद यही है कि हमारा हिंदुस्तान भी कुछ करे, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ समझे, बस हमारी गवर्नमेंट तक भी हमारा आवाज पहुंचे तो बहुत ही जल्दी बहुत बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास भी ये हमारी आवाज पहुंचे कि आप देखिए कि ये जुल्म सहने जैसा नहीं है, जुल्म देखना और जुल्म सहना और जुल्म सहने के बराबर है। मुस्लिम ओलमास के लिए कुछ आपका मैसेज? जी, मुस्लिम ओलमास का भी ये मैसेज है कि उन लोग भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे ओलमास भी अपने हक की आवाज़ रख रहे हैं, लेकिन आपको पता है आज का इंडिया का माहौल कैसा है, तो उस बिना पर कोई इतना लॉन्ग फेस पे कोई सामने नहीं आ रहा है। तो मुस्लिम लीडर्स जो है, जैसे कि ना सऊदी है जिसके ऊपर मुस्लिम ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो कुछ करेगा, तो सऊदी ने अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिया, तो उसके ऊपर मे बी सऊदी कुछ डिफरेंट सोच रहा हो जो हम भी नहीं जानते हो पॉलिटिकली। लास्ट में ये सब जो चल रहा है फिलिस्तीन में 75 ईयर्स से, उसका सलूशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सलूशन का तो पता नहीं, बट इसराइल के पास पहले कुछ नहीं था, इसराइल अभी भी जो है वो फिलिस्तीन की ऊपर ही है, अभी जो इसराइल कर रहा है बहुत ही गंदा कर रहा है, फिलिस्तीन के पास अभी कुछ नहीं रहा, लेकिन इसराइल के पास पहले कुछ नहीं था, वो लोगों को भूलना नहीं चाहिए, एक ही थाली में खाना खा के वो लोगों ने छेड़ किया है, फिलिस्तीन के साथ छेड़ किया है वो लोगों ने। जी, मेरा बोलना तो ये है कि ये जो भी हो रहा है वो रुक जाए, क्योंकि दोनों साइड से ही बच्चे मर रहे हैं, दोनों साइड से ही बच्चे को यतीम हो रहे हैं, और जितना नुकसान गाजा का हो रहा है, हमास का हो रहा है, फिलिस्तीन का हो रहा है 75 साल से, वो तो अनबेरेबल है, तो बेहतर यही है कि हम सारे लोग एक साथ खड़े हो और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। और पहली बात तो मेरा बोलना ये, इसका सलूशन ये है कि अमेरिका जो इतना इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ उसके पास बहुत लैंड है, फिलिस्तीन खाली करा दे और अपनी जगह पे लेके जाए इजरायली लोग को। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।